मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो अपन एग्जाम्पल ऑफ कोसी सीक्वेंस। आज के वीडियो में भी अपन जो कोसी सीक्वेंस के जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको और डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था, उनको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको समझाया था। आई होप आपको समझ आया होगा। आज का जो वीडियो है उसमें भी अपन कोसी सीक्वेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो अपन इसके लिए लिखते हैं। इसका जो अभिसरण का जो सिद्धांत है, कोसी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कब होती है, कन्वर्ज के लिए जो अपन ने कंडीशन पढ़ी थी उसी पर बेस्ड है। उसको कन्वर्ज जो है वो अपने को यहाँ पे दिखाना है कि कोई भी जो कोसी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कैसे प्रूफ अपन कर सकते हैं। तो पहला जो इसका जो एग्जाम्पल है उसको अपन यहाँ देखेंगे कि कोशी के अभिलक्षण सामान्य सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्शन अनुक्रम एक्शन सिद्ध क्या करना है अपने को कि अनुक्रम एक्शन क्या है, अभिसारी है। जहाँ अब अपने को एक्शन क्या गिवन, जो अनुक्रम है वो गिवन है। वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर टेंस टू माइनस वन की पावर एन प्लस वन बटे एन माइनस वन कोष्टक वन बाई एन। ठीक है, ये अपने को एक्शन का मान गिवन है और अपने को यहाँ पे इस कोसी सीक्वेंस के थ्रू अपने को इसके जो कोसी सीक्वेंस के लिए जो अपने अभिसरण के लिए जो थ्योरम पढ़ी थी उसकी हेल्प से अपन इसको यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो कैसी है, यहाँ पे अभिसारी है या कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो अपन यहाँ पे जो कन्वर्जेंट की अपन ने कंडीशन पढ़ी थी उसके अंदर क्या पढ़ी थी कि मॉड ऑफ एक्स एन प्लस पी माइनस एक्शन जो है वो लेस देन एप्साइला होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जेंट की जो सीक्वेंस थी अभिसरण सामान्य सिद्धांत। ठीक है, उसके अंदर अपन ने मोड ऑफ एक्स एन प्लस पी माइनस एक्शन जो है उसको लेस देन एप्साइला अगर अपन प्रूव कर देते हैं तो अपनी जो सीक्वेंस है वो कैसी हो जाती है, अभिसारी हो जाती है। तो यहाँ पे अपने को एक्स एन गिवन है, एक्स एन पी अपन निकाल लेंगे एन की जगह एन प्लस पी पुट करके। ठीक है, तो एन को मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला पुट कर सकती हूँ, ये एनवा पद अपन यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ मोड ऑफ एक्स एन पी माइनस एक्स एन। ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे माइनस वन की पावर एन प्लस पी माइनस वन वन बाई एन प्लस पी माइनस एन माइनस वन वन बाई एन, एक्सन की वैल्यू यही रखी जाएगी। इसको अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखिए n n पद जो है वो तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, x ये जो n प्लस पी है इसमें से क्या होंगे n पद जो है वो तो क्या होंगे, हट जाएंगे। तो जो यहाँ पे बचेंगे वो कौन से बचेंगे, यहाँ पे अपने कहाँ से बचेंगे, n प्लस वन से बचेंगे। n तक के जो मान होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, इससे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अपने पास वो जो मान बचेंगे वो n तक n प्लस वन से बचेंगे। तो यहाँ पे मैं n प्लस पी की जगह जब वन रखूँगी तो ये यहाँ पे n हो जाएगा और यहाँ वन बाई n प्लस वन। ठीक, इसी तरह से माइनस वन की पावर n प्लस वन और वन बाई n प्लस टू।
ठीक है। इस तरह से जब अपन इसको लिखेंगे तो माइनस वन की पावर एन प्लस पी माइनस वन और कोष्टक में वन अपॉन एन प्लस पी, ठीक है। ये जो अपने को वैल्यू यहाँ पे गिवन है उसकी हेल्प से अपन ने इसको यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया, ठीक है। एन पद जो है उनको अपन हटा देंगे तो अपने के पास जो पद बचेंगे वो एन प्लस वन से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे n प्लस वन से लेके n प्लस पी तक के जो पद होंगे वो अपने पास यहाँ पे बचेंगे। अब इनको अपन और ज़्यादा जब अपन सरल करेंगे तो देखिए अपने पास क्या बचेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने को माइनस वन की पावर n जो है यहाँ पे अपने को कॉमन दिख रही है, कॉमन दिख रही है, तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ बाहर निकाल लेती हूँ। तो मैंने माइनस वन की पावर n को कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू। देखिए यहाँ पे माइनस वन की पावर वन बचेगी तो क्या होगा, माइनस वन की पावर वन जो है वो क्या होती है, माइनस वन ही होगी, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला आएगा वो एन प्लस थ्री, फिर अगला आएगा जो वो एन प्लस फोर, ये माइनस का। इस तरह से अपनी वैल्यू माइनस वन की पावर एन प्लस पी माइनस वन बटे वन अपॉन एन प्लस पी, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू जो है यहाँ पे लिखी जाएगी। अब इसको यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है, मोड के अंदर है, तो मोड के अंदर की जो वैल्यू माइनस वन की पावर एन होगी उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा और फिर अपन मोड को इजीली हटा सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकेंगे यहाँ पे, अपन जो वैल्यू को है अपने पास क्या बचेगी, बचेगी वन अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन एन प्लस ये माइनस में, इस तरह से माइनस वन अपॉन पी माइनस वन बटा वन अपॉन एन प्लस पी, ठीक है। यहाँ तक जो वैल्यू है ये यहाँ पर बच जाएगी, ठीक है। अब इसको अपन सरल करते हैं, ये वाली जो वैल्यू है इसको सरल करके अपन मान निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या आएगा, वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू प्लस वन अपॉन एन प्लस थ्री माइनस वन अपॉन एन प्लस फोर, ठीक है। इसको जब सरल करके मान निकालेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, इनके दो दो जो पद हैं उनको एक साथ लिखते हैं और आंसर निकालते हैं। जब इनको सरल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, जब इन दोनों को एक साथ, पहले और दूसरे पद को एक साथ लेके सरल करेंगे तो आएगा वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू, ठीक है। इस तरह से ही यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। फिर अगला जो होगा इन दोनों को साथ में लेके करेंगे तो वन अपॉन एन प्लस थ्री एन प्लस फोर, इस तरह से यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, सॉल्व होगी, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पर आ गया। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे अगर आपने अपन देखते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, होगी कि नहीं होगी, ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो यानी ज़ीरो से बड़ी होगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, इसको अपन एप्साइला लेट कर सकते हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन ज़ीरो यानी इसको मैंने क्या लेट कर लिया, एप्साइला लेट कर लिया, और इसका जो आंसर है वो अपन कुछ इस तरह से, ये एक वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो मैं इसको मॉड, इसका जो मॉड होगा वो इजीली यहाँ पर हटा सकती हूँ, ठीक है। तब अपना जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन जो होगा वो क्या आ जाएगा मेरा, वन अपॉन मॉड हट जाएगा और वैल्यू जो क्या होगी, क्या बन जाएगी, वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू प्लस वन अपॉन एन प्लस थ्री एंस टू माइनस वन की पावर पी माइनस वन बटा
एन प्लस ए पी, ठीक है। इस तरह से अपन इसको लिख लेंगे और ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, एन प्लस वन से कैसी होगी, लेस देन ए होगी। देखिए कैसे इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये वाली पहली जो वाली जो वैल्यू है इसको मैं एज इट इज रख लेती हूँ, ये वैल्यू है इसको मैंने ऐसे रख लिया एन प्लस ए वन, और इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये बच गया, यही बचेगा ना, ठीक है। यानी वन अपॉन एन प्लस वन में से कुछ वैल्यू क्या हो रही है, माइनस ए हो रही है। इस तरह से आगे भी क्या होगी, माइनस कॉमन निकाल के कुछ वैल्यूज़ क्या होती है, माइनस होएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वन अपॉन एन प्लस वन से क्या आएगी, लेस देन आएगी कि नहीं आएगी। ये जो पूरी वैल्यू आएगी इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि ये मेरी किससे लेस देन है, वन अपॉन एन प्लस वन से क्या है, लेस देन ए है। और अगर ये वैल्यू वन अपॉन एन प्लस वन से लेस देन है तो वन अपॉन एन प्लस वन को, वन को मैं क्या मान लूँ, अगर एप्साइला मान लूँ तो ये किससे लेस देन हो जाएगी, एप्साइला से लेस देन हो जाएगी, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये एक धनात्मक वैल्यू है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो मैं इसको एक एप्साइला यहाँ पर मान सकती हूँ कि ये जो वैल्यू है वो एप्साइला के यहाँ पे बराबर है या एप्साइला से छोटी है। तब जो अपना एन का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, तब एन बिलोंग्स टू एन इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा कि देखो वन अपॉन एन, एन प्लस वन है उसको मैंने क्या माना है, यहाँ पे एप्साइला माना है। एन जीरो जो वैल्यू आएगी वो किस, तब एन जीरो बिलोंग्स टू एन इस प्रकार विद्यमान होगा, होगा कि एन जीरो जो होगा वो ग्रेटर देन होगा वन बाई एप्साइला माइनस वन, ठीक है। यहाँ से जो अपन ने वन बाई एन प्लस वन जो है इसको जो एप्साइला से लेस देन लेट करके चले हैं उसकी हेल्प से अपन ने इस चीज़ को यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो एन जीरो की वैल्यू यह आ गई कि इस प्रकार विद्यमान होगी कि मोड ऑफ एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन लेस देन क्या आ जाए, एप्साइला आ जाए, फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू एन एंड एन ग्रेटर देन एन जीरो, ठीक है। और यही क्या होती है अपनी अभिसरण जो कोसी सीक्वेंस की, जो अभिसरण का जो सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत होता है उसकी डेफिनेशन के अंदर अपन मोड ऑफ एक्स एन पी एन प्लस पी माइनस एक्स एन के लिए यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जो अपना इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था आपका कोसी सीक्वेंस का, जिसमें अपने को ये प्रूफ करना था कि कोसी के अभिसरण के सामान्य सिद्धांत से अपने को इसको प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।